हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 2019 में आई अक्षय कुमार स्टारर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी केसरी का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। अनुराग सिंह जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट 80 करोड़ का था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 207.09 करोड़ का हुआ था। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 7.4 out of 10 है। फिल्म की शुरुआत में जब कुछ पठान एक औरत को मारने की कोशिश करते हैं जिसे अक्षय पाजी देख लेते हैं, तब एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यह उसी फाइटिंग सीक्वेंस के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस सीक्वेंस की शुरुआत में अक्षय पाजी का जो जंप सीन दिखाया गया है उसके लिए इनकी बॉडी पर हार्नेस वगैरह बांध कर कुछ इस तरह से उस जंप सीन को रिकॉर्ड किया गया था। ये पूरा ही एक्शन सीक्वेंस स्पीति में शूट हुआ है, जहाँ पर शूट करना अपने आप में ही काफी चैलेंजिंग है। खैर, सीक्वेंस की लास्ट में कुछ पठान इन्हें घेर कर पगड़ी उतारने वाले होते हैं, तब इनके बाकी साथी भी आकर के हमला कर देते हैं और यहीं पर अक्षय पाजी दो पठानों को उठाकर नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो उस सीन को भी बॉडी हार्नेस बांध करके कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। ये मूवी 1897 की सारागढ़ी बैटल और बेस्ड है। उस समय पर बहुत ही बेहतरीन गन्स नहीं हुआ करती थी, जो बंदूकें होती थी वो सिंगल शॉट फायर करती थी एक टाइम पर। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बंदूकें, उनको इसी काम के लिए तैयार किया गया है। खैर, पहली फाइट के बाद जब कुछ पठान इनके बेस पर हमला करते हैं, तो यह BTS सीन उस समय का है जब हवलदार ईसर सिंह एक पठानी स्नाइपर का पीछा करते हुए उस पर कुछ बुलेट्स फायर करते हैं। और इस तरह के सीन्स की शूटिंग के लिए ब्लैंक बुलेट्स यूज करी जाती हैं, जिनकी आवाज और स्मोक बिल्कुल रियल जैसा लगता है, लेकिन ये किसी को हर्ट नहीं करती हैं। इसके बाद अक्षय पाजी को सारागढ़ी ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्चुअली इस मूवी में हवलदार ईसर सिंह का किरदार अक्षय पाजी ने ही किया है और ये सीन जो आप देख रहे हैं इसको भी स्पीति में ही शूट किया गया है। खैर, सारागढ़ी जाते समय ही अक्षय पाजी और परिणीति चोपड़ा के बीच में एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है, माही मैनू छड़ियो ना के नाम से। तो इस वीडियो सॉन्ग के कुछ सीन्स पद्मपुरा नामक एक गांव में राजस्थान में शूट हुए हैं और कुछ सीन्स को राजस्थान के ही झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के डुनलोद नामक टाउन में बने एक हवेली में शूट किया गया है। खैर, एक समय के बाद खान मसूद और गुलबादशाह मुल्ला सैदुल्ला के कहने पर अपने लश्कर के साथ सारागढ़ी पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, तो यह उसी समय का VFX ब्रेक डाउन है। एक्चुअली शूटिंग के टाइम पर यहाँ पर काफी कम लोग थे, लेकिन शूटिंग के बाद CGI और VFX की मदद से इस लश्कर को इतना बड़ा दिखाया गया है। जब गुलबादशाह के लोग सारागढ़ी किले की पश्चिमी दीवार को उड़ाते हैं, जिससे एक सैनिक दूर जाकर के गिरता है और उसके साथ ही अक्षय पाजी भी दूर जाकर के गिरते हैं, तो उन दोनों ही सीन्स को अलग अलग टाइम पर सेफ्टी हार्नेस बांध करके ही रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इन दोनों सीन्स के शूट होने के बाद ही दीवार के टूटने वाले सीन को रिकॉर्ड किया गया था। खैर, दीवार टूटने के बाद अक्षय पाजी नीचे आकर अपनी पग को संभालते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद खान मसूद और गुलबादशाह के लोग अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहले अक्षय पाजी एक बंदे को मारते हैं, तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं। वैसे केसरी मूवी के इस फाइटिंग सीक्वेंस को वाई टाउन महाराष्ट्र में इस मूवी के लिए बनाए गए सेट पर रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर आप इसी फाइटिंग सीक्वेंस के शूटिंग के सीन देख सकते हैं। हालांकि अक्षय पाजी को किस तरह से तलवार पकड़नी है, कैसे उस तलवार को चलाना है और कैसे लोगों को मारना है, ये सारी चीजें शूटिंग से पहले ही इनको बताई जाती थी। खैर, क्लाइमेक्स में हवलदार ईसर सिंह यानी कि अक्षय पाजी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुगलों को मारते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस क्लाइमेक्स वाले फाइटिंग सीक्वेंस को किस तरह से शूट किया गया था। हालांकि शूटिंग इतना फास्ट नहीं होती है, इसके लिए पहले एक्शन कोरियोग्राफी करी जाती है, फिर उसका रिहर्सल होता है और फिर शूट किया जाता है सीन को। खैर, क्लाइमेक्स की लास्ट में सबके शहीद हो जाने के बाद गुरुमुख सिंह को शहीद होते हुए दिखाया गया है, जिसके लिए इस सीन को पूरी सेफ्टी के साथ में रियल में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर आप गुरुमुख सिंह को बर्न होते हुए भी देख सकते हैं। ऐसे सीन्स में सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखा जाता है और पूरी सेफ्टी के साथ में इनको शूट किया जाता है। वैसे महाराष्ट्र के वाई टाउन में ही सारागढ़ी फोर्ट के साथ साथ गुलिस्तान फोर्ट और मूवी में दिखाया गया अफगान विलेज का सेट बनाया गया था और मूवी में लास्ट वाली फाइट के पहले जुदाई पैजानी नाम का जो एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है, इसको सारागढ़ी फोर्ट वाले सेट पर ही शूट किया गया है और पोस्ट प्रोडक्शन में CGI एंड VFX की मदद से ही बैकग्राउंड में बर्फीले पहाड़ों को दिखाया गया है। आई होप आपको केसरी मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।